हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कमिंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कमिंस इंडस्ट्रीज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 0.43% का नेगेटिव क्लोजिंग देखे हुए 1799.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने वाला। कैंडल यहाँ पे स्मॉल साइज की बॉडी बनी है, नीचे की साइड में ऊपर की साइड में बारीक बारीक एक तरह से विक देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें 70-71 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड। स्टॉक में डाउन साइड जो 70-75 के आसपास देखे मैं उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउन साइड जो वो 1755 तक आते हुए देखने मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लेवल्स जो हमने रिसेंटली स्टॉक एनालिसिस किया वहाँ पे हमने आपको बताया था, अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड को हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो वन आर का चार्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में इस रेंज में जो हमने मार्किंग्स नहीं की तो जरूर हमें मार्किंग्स करनी है। तो जो भी हम मार्किंग्स कर रहे हैं मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस वजह खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर आप सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर के साइड में हमारे पास डेटा नहीं है इसके वजह से हम यहाँ पे यूज करें साइकोलॉजिकल नंबर। तो जो भी साइकोलॉजिकल नंबर के बेसिस पे हमने मार्किंग है वो भी आप जरूर चार्ट पे कर ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग है तो 1799 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1789 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1800 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो ऐड किया है, उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 1779 का, उसके बाद 1768 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1814 का, उसके बाद 1825 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है। 1800 से लेकर 1814 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की जरूर एक्सपेक्टेशन, बाकी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो स्टॉक थोड़ा सा और नीचे में आते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन कल के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के क्लोजिंग के बेसिस पे। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।